हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा थोड़ा सा हटके, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ एक डिश की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब फिंगर लिकिंग गुड रेसिपी है। और वो मैंने मतलब वो मेरी रेसिपी है, मैंने खुद से ही सोच के उसको बनाया है। और वो रेसिपी है चिली पनीर की रेसिपी। और इतनी ज़्यादा मतलब आसानी से बन जाता है, एक शॉर्टकट रेसिपी है, इतनी ज़्यादा आसानी से बन जाता है और इतना फिंगर लिकिंग गुड होता है ना वो कि मैं क्या बताऊँ, आप उंगलियाँ खाई जाओगे आप चाटने के साथ साथ। और जब से मैंने ये रेसिपी ट्राई की है ना अपने घर पे चिली पनीर की, तब से हम लोग बाहर से चिली पनीर लाना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है वो। तो आज उसकी रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखिए कि कितना आसानी से, कितना शॉर्टकट वे में इतना स्वादिष्ट चिली पनीर तैयार हो जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये पनीर। और हमने थोड़ा सा ज्यादा ही क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि क्या है ना कि चिली पनीर हम सबको बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम लोग दिन में 2-3 बार खा लेते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी रखा है। अब इसे हम लोग पीसेस में काट लेंगे। पनीर को टुकड़ा टुकड़ा में कर लिया है, पीस में कट कर लिया है इतने बड़े बड़े पीसेस में। अब इस पनीर में हम लोग कुछ मसाले डाल के इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैरिनेट करने के लिए जो जो मसाला लगेगा वो मैं आप सभी को बताती हूँ। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कसूरी लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल मिर्च पाउडर, नमक। अब हम सभी पनीर में मसाला डाल चुके हैं, अब इसको हम लोग अच्छे से टॉस कर लेंगे। देखिए पनीर के अंदर मसाले की अच्छी तरीके से कोटिंग हो चुकी है, अब इसे हम लोग मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे करीब 1 घंटे के लिए। तो जब तक पनीर मैरिनेट हो रहा था, हम लोगों ने सारी सब्जियां काट ली। सब्जियां सिर्फ 3 लगेगी इसमें, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर। प्याज को हमने इस तरीके से काटा है कि प्याज को 4 भाग कर लीजिए छील के, उसके बाद उसका ऊपर का परत होता है वो निकाल लीजिए, सिंपल इसको काटने का तरीका है। और शिमला मिर्च को हमने मीडियम साइज में काटा है। और टमाटर को काटने के लिए जो बीज का उसका गुद्दा होता है ना, बीज वाला, उसको निकाल के खाली बाहर बाहर का जो लेयर है उसी को मीडियम साइज में काट लें। तो लगभग 1 घंटा ये हमारा मैरिनेट हो चुका है पनीर। अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नस्टार्च बोल दीजिए, कॉर्नफ्लोर बोल दीजिए या फिर अरारोट बोल दीजिए, कुछ भी। 1 और 2, ये देखिए मिडिल क्लास फैमिली, पीनट बटर के डब्बे में कौन सा रखा हुआ है। वाह, हम लोग सामान तो खाते ही हैं और जो डब्बा बच जाता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। ये देखिए, ये पीनट बटर का डब्बा है, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। तो हमने इसको अच्छे से टॉस कर लिया है और जो कॉर्नफ्लोर का पूरा कोटिंग था सारे पनीर पे लग चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पनीर को करना है फ्राई। तो यहाँ पे कढ़ाई हमने चढ़ा दिया, पहले इसको तल लेंगे, उसके बाद इसी में चिली पनीर का स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है और क्योंकि इतने सारे पनीर एक बार में फ्राई होंगे नहीं, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे। थोड़ा सा एक पनीर में डालते, क्योंकि मुझे तेल से बहुत डर लगता है। तो हमने एक बार में देखिए आधा पनीर डाल दिया है इसके अंदर, और इसे हम लोग तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। पनीर हमारे पूरे फ्राई हो चुके, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब जो तेल हमारा बच गया जिसमें हमने फ्राई किया था पनीर को, उसी तेल में हम लोग ये है थोड़े से गार्लिक यानी कि लहसुन और थोड़ा सा जिंजर यानी कि अदरक, थोड़ा सा हमने इसको कराचे से चॉप कर लिया, उसके 2 से 3 इसमें मिर्चियां भी है। अब इसी को हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। भाई मुझको बहुत डर लग रहा है क्योंकि तेल गर्म है। तो जब तक ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं फ्राई होता है, और मैं मसाला ना अभी डाल दूंगी क्योंकि सारे सब्जी डालने के बाद जब मसाला डालते हैं तो मसाला ठीक से भूनता नहीं है, इसीलिए उसका अच्छे से फ्लेवर निकल के नहीं आता। इसीलिए अभी ये 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, बस कुछ ही समय लगेगा, एकदम थोड़ा सा समय, उसके बाद हम लोग इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अभी इसमें हम लोग डालेंगे हल्दी। फ्लेम बिल्कुल लो पे रखना है हमें। देखिए यहाँ पे सिम पे है फ्लेम, हल्दी को हम लोग इसे मिक्स कर देंगे। मसाला इसमें लाइट ही पड़ता है इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालिएगा। तो मैं इतना सा ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ, गोल की जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा होता है इसलिए हम लोग को इसको ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है। अब ये कसूरी वाला जो रेड चिली पाउडर आता है वो, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। तो अभी इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए हम लोग भून लेते हैं, और उसके बाद से जितने भी वेजिटेबल्स है, प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, वो सब हम लोग ने यहीं पे रखा है, वो सब इसमें डाल देंगे हम लोग। हम इसमें डालने वाले हैं प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर।
वाह, इसमें से अभी थोड़ी सी खुशबू आ रही है मसाले मसाले की। अब इसमें हमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, एक चम्मच। फ्लेम थोड़ा तेज कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब इसे हमें हाई फ्लेम पे पकाना है। हल्दी का कलर देखिए हर सब्जी पे आ गया एकदम येलो येलो। तो स्वाद के लिए हम इसमें थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, और क्योंकि चिली पनीर की खासियत ही यही होती है कि इसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं वो पूरी तरीके से कुक नहीं होते हैं, वो हल्के हल्के से कच्चे रहते हैं, जिसको खाने में कचर कचर मतलब क्रंच आता है उसमें, तो उसकी खासियत यही होती है। इसलिए हम लोग सारे वेजिटेबल्स को पूरी तरीके से नहीं भूलेंगे, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा कच्चा ही रखेंगे। चिली पनीर के लिए वेजिटेबल्स को जितना फ्राई होना था वो हो चुकी है। अब हम लोग इसके अंदर हमारे जो फ्राई किए हुए पनीर के पीसेज हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं उसे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अरे भाई आए हमने इसमें सभी पनीर के पीसेस डाल दिए हैं, इसे हम लोग अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं पहले एक बार। तो अब हम लोग डालने वाले हैं जो चिली पनीर का मेन इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जो मेन मसाले वगैरह होते हैं, वो मैं डालने वाली। तो सबसे पहले है ये विनेगर, दो ढक्कन। ये डल गया हमारा विनेगर। इसके बाद दो ढक्कन सोया सॉस। इसका स्मेल बहुत गंदा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं इसलिए हम लोग दो ढक्कन डाल रहे हैं। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाए तो ध्यान से सोया सॉस डालें, वरना अगर ज्यादा हो जाए बहुत कड़वा हो जाएगा, फिर ये चिली पनीर खाने लायक नहीं बचेगा। सोया सॉस की वजह से ही इसका ये डार्क कलर आता है, जो चिली पनीर का आता है ना कलर डार्क, सोया सॉस की वजह से ही आता है। तो इसमें आप डालेंगे तीन टाइप के सॉसेस। सबसे पहला है ये रेड चिली सॉस, इसको हम लोग डालेंगे दो ढक्कन। ये है सेजवान सॉस का एक पैक, जिसमें से कि हम लोग थोड़ा सा सेजवान सॉस में डालने वाले हैं, क्योंकि सेजवान सॉस का फ्लेवर एकदम मस्त होता है। तो अब फाइनली इसमें डलेगा टोमेटो केचप। बस अब इसे हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कपड़ा कहाँ गया, कपड़ा कहाँ गया, गिरा। वाओ मेरे को तो अभी देख के मन कर रहा है कि मैं अभी ये निकले बिना और मैं खा जाऊं, इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा है और बनाने में भी बहुत आसान है ना। अब इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ चुके हैं, सब कुछ पड़ चुका है इसमें। अब ये बस 2 से 3 मिनट तक इसको हम लोग सिम करने के लिए रख देंगे, और उसके बाद आपका फिंगर लिकिंग गुड चिली पनीर तैयार है, आप इंजॉय कीजिए। खाना बन चुका है और ये रहा हमारा चिली पनीर। सुगंध से ही ना ऐसा लग रहा है जैसे होटल से आया है। अब फटाफट से इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि रहा नहीं जा रहा मेरे से तो। लग ही नहीं रहा घर पे बना, लग ही नहीं रहा है। एक एक मसाला एकदम एक्यूरेट है, मजा आ गया। तो अगर आपको रेसिपी वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपने भी रेसिपी देख के बनाई क्योंकि प्लीज बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनाई वाला। और अगर आप भी ये बनाओगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी बनी। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।